हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, चैप्टर कंपनी मीटिंग्स एंड रिजोल्यूशंस। हमने सेकंड पॉइंट तक कर लिया था पीरियड ऑफ मीटिंग। हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग्स। इसका सेकेंड पॉइंट पीरियड ऑफ मीटिंग तक हम कर चुके थे। अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट, नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग, कि मीटिंग को बुलाने के लिए हम जो नोटिस प्रिपेयर करते हैं, जो भी कंपनी नोटिस प्रिपेयर करेगी और एजेंडा प्रिपेयर करेगी। अब नोटिस जो प्रिपेयर किया जाएगा वो रिटर्न नोटिस जो है कम से कम 7 दिन से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए बोर्ड मीटिंग के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कैसे पहुंचेगा, किस जगह पर पहुंचेगा, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस उन्होंने कराया हुआ है, जो भी एड्रेस रजिस्टर करा रखा है कंपनी के पास, उसी एड्रेस पर यह नोटिस पहुंच जाना चाहिए। एंड सच नोटिस शॉल बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी। और ये जो नोटिस है, या तो कैसे सेंड किया जा सकता है, हैंड डिलीवरी के द्वारा भी सेंड किया जा सकता है, बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मींस के हेल्प से किया जा सकता है। अगर बोर्ड जो है उसकी जो मीटिंग है अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंटली बुलानी है, अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस इफ सम अर्जेंट बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज़ टू बी ट्रांसेक्टेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन डैट एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शॉल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। यानी कि अगर कोई भी अर्जेंट मीटिंग है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, हम 7 दिनों का वेट नहीं कर सकते हैं कंपनी, तो जब ये मीटिंग बुलाई जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो उस टाइम पर कम से कम एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए उस मीटिंग में। उसके बाद बोला गया है कि फेलियर टू गिव और सेंड, अगर किसी भी कंपनी के ऑफिसर को नोटिस नहीं पहुंचाया गया है, उसमें अगर फेलियर किया है, डिफ़ॉल्ट किया है, तो पेनल्टी लगाई जाएगी 25,000 रुपीज़ की। सेक्शन 173 जो है प्रोवाइड्स डैट 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी शॉल बी डीम टू हैव कम्प्लाइड विद द प्रोविजन्स ऑफ द एक्ट इफ एट लीस्ट वन मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ बीन हेल्ड इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर एंड द गैप बिटवीन द टू इज नॉट लेस देन 90 डेज। द एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नोटिस और मोड ऑफ इट्स सर्विसेज। यानी कि अगर जैसे 1% कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, अगर इस तरह से मीटिंग बुलाती है, यानी 90 दिन से पहले पहले, यानी कि 90 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में जो डायरेक्टर्स की बुलाई जाती हैं, अगर वो सही तरह से बुला रही है, पूरे प्रिस्क्रिप्शन मांग रही है, तो इस तरह की मीटिंग्स को आगे जो डायरेक्टर्स हैं वो फ्यूचर में भी आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी नहीं पड़ेगी। अब साथ ही साथ जब भी मीटिंग का जो नोटिस है वो सेंड किया जाता है, उस नोटिस के साथ एक और चीज़ अटैच की जाती है, वो होती है एजेंडा। अब ये जो एजेंडा होता है ये क्या होता है, एजेंडा एक तरीके से पर्पस होता है मीटिंग का, कि किस पर्पस पे मीटिंग बुलाई जा रही है, क्या क्या इश्यूज मीटिंग में डिस्कस होंगे, सबसे पहला इशू कौन सा डिस्कस किया जाएगा। इसका मेन मोटिव ये होता है एजेंडा भेजने का, कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी उनको डिसीजंस लेने हैं, उससे पहले ही उनको पता हो कि डिसीजन किस बारे में लेना है, कि जिससे वो एक्चुअली में प्रिपेयर होकर आए मीटिंग में, ठीक है, अपनी जो राय है वो भी रख सके। फिर नेक्स्ट आता है कोरम। अब कोरम मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो भी मीटिंग में प्रेजेंट किए जाएंगे, जिनका ज़रूरी है कि प्रेजेंट होने चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ का कुछ ऐसा भाग जिसको हम बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जिसको प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है मीटिंग में। और जो रिक्वायर्ड कोरम है वो कंपनी के आर्टिकल्स में पहले से ही डिफाइन होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में इस तरह से कुछ भी डिफाइन नहीं है, तब इन केस जो कंपनी है अपनी टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 बुलाएगी, या फिर 2 डायरेक्टर्स बुलाएगी जो भी हायर होंगे। अगर 1/3 में हायर हैं तो वो वाला बुलाएगी, या फिर अगर 2 डायरेक्टर्स उसमें से हायर हैं तो वो बुलाएगी, जो भी इनमें से ज़्यादा होंगे उसको बुलाया जाएगा एज़ पर द सेक्शन 174। अगर जो बोर्ड की मीटिंग है वो हेल्ड नहीं की जाती है कोरम के टाइम पे, यानी कोरम प्रेजेंट ही नहीं हुआ जिस दिन मीटिंग थी, तो वो जो मीटिंग है वो एडजोन्ड हो जाती है। एडजोन्ड का मतलब है कि अगर आज
ट्यूसडे है तो वो अगले ट्यूसडे को, अगले वीक के ट्यूसडे को बुलाई जाएगी, सेम टाइम सेम प्लेस पर। तो इसको बोलते हैं एडजोर्न मीटिंग। सेम टाइम सेम प्लेस पर नेक्स्ट वीक ये मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर उस नेक्स्ट मीटिंग में भी सिर्फ 1% प्रेजेंट है, एक डायरेक्टर प्रेजेंट है या कोई एक प्रॉक्सी प्रेजेंट है, तब भी वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, वो मीटिंग तब भी कंडक्ट होगी, तब पूरी कोरम का वेट नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें कंपनी की जो चेयरमैन है कंपनी का, उसका होना ज़रूरी होता है। कंपनी में नेम द चेयरमैन और द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में इलेक्ट अ चेयरमैन टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। या तो कंपनी एक चेयरमैन रख लेगी या फिर जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से ही कोई एक पर्सन इलेक्ट कर लिया जाएगा एज द चेयरमैन, की जो सारे के सारे काम को देखेगा कंपनी की मीटिंग के अंदर। उसके बाद आता है बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड इन मीटिंग। अब कौन कौन से ऐसे काम मीटिंग में, यानी ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो कि मीटिंग में ट्रांसैक्ट किए जाते हैं। ऑल सच बिजनेसेस विच इज़ विद इन द कंपनीज अथॉरिटी। ऐसे बिजनेस जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की अथॉरिटी में हैं, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ट्रांसैक्ट किए जाएंगे। बट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट ट्रांसैक्ट एनी बिजनेस। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ऐसा कोई भी बिजनेस ट्रांसैक्ट नहीं कर सकते जो कि उनकी पावर के अंदर ही नहीं है, यानी कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं है या मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ है कंपनी के। तो इस तरह का काम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो लोग नहीं कर सकते हैं, वो इस तरह का कोई भी बिजनेस ट्रांसैक्ट नहीं कर सकते। द प्रोसीजर एंड द मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द बोर्ड मीटिंग इज़ यूजुअली कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। जो भी प्रोसीजर होता है या जो भी मोड होता है मीटिंग को कंडक्ट करने का, वो मेनली बोर्ड का, जो बोर्ड्स मीटिंग बुलाई जाती है उसका जो भी प्रोसीजर है और जो भी मोड है वो कंपनी के आर्टिकल्स में पहले से ही लिखा गया होता है। और जो चेयरमैन है, अगर कभी मेजोरिटी ऑफ बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है तो जो चेयरमैन है वो अलाउ करता है कि हाँ आप बोर्ड करा सकते हैं। बोर्ड का इक्वालिटी भी होता है कि 1% एक वोट देगा। बट इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रोविज़न, अगर इस तरह का प्रोविज़न एब्सेंट है, क्योंकि सारे के सारे प्रोसीजर तो आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, लेकिन अगर इस तरह का प्रोविज़न एब्सेंट है, द चेयरमैन डज नॉट हैव अ कास्टिंग अ वोट। तो चेयरमैन जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। अब मैटर्स टू बी डिसाइडेड इन द बोर्ड मीटिंग्स आर पुट इन द फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशंस विच शुड बी प्रपोज्ड सेकेंडेड एंड ड्यूली अप्रूव्ड। जो भी मैटर्स डिस्कस किए जाएंगे बोर्ड की मीटिंग में, वो उनके रिजोल्यूशन में पहले से ही क्या होने चाहिए, प्रपोज होने चाहिए, सेकेंडेड होने चाहिए। सेकेंडेड का मतलब है कि अब जो भी इनका एजेंडा था, जो भी उनका पर्पस था, वो सारा का सारा किसी एक नॉलेजेबल पर्सन को दिखाया जाएगा। वो नॉलेजेबल जो पर्सन होगा वो सारा का सारा चेक करेगा कि हाँ ये ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं जो कंपनी के जो प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट के उसके खिलाफ हो, या किसी भी तरह का, यानी जो भी प्रोविजंस है कंपनी से रिलेटेड सही है या नहीं है, वो सारा उस वो चेक करेगा। जब ये चेक हो जाएगा तो ये अप्रूव्ड हो जाता है कि हाँ इस जो भी इश्यूज हैं इन पर ही मीटिंग में बात की जाएंगी। और जो रिजोल्यूशन है पास किया जाता है मीटिंग में या सर्कुलेशन के द्वारा। नो रिजोल्यूशन शॉल बी डीम टू हैव बीन पास्ड बाय बोर्ड और कमिटी। कोई भी रिजोल्यूशन बोर्ड या कमिटी बाय सर्कुलेशन नहीं कर सकती जब तक कि उनके पास पूरे नेसेसरी पेपर्स नहीं हैं, इफ़ एनी टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी एज केस में बी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय देम। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट केस है तो उस टाइम पे उनके द्वारा अप्रूव किया जा सकता है। वंस अ रिजोल्यूशन इज़ पास्ड इन द बोर्ड मीटिंग, जब रिजोल्यूशन पास्ड हो गया बोर्ड मीटिंग में, इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द डायरेक्टर्स। ये जो है हर एक डायरेक्टर्स के लिए बाइंड हो जाएगा, वेदर दे वोटेड और अगेंस्ट इट, चाहे उन्होंने उसके लिए वोट करा था चाहे वो उसके खिलाफ थे। जो खिलाफ थे उनको भी वो रिजोल्यूशन अगर पास हो गया तो वो उन चीज़ों से बाइंड हो जाएंगे, उनको भी वो मानना पड़ेगा। फिर आता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब मिनट्स क्या होते हैं, एक तरीके से गिस्ट होते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग के। अब क्या होता है, जब मीटिंग जो होती है उसमें जो भी बातें हुई हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उनकी एक समरी होती है। ये एक तरीके से ऐसी बुक होती है जो कि पूरी मीटिंग की समरी बताती है। हर एक कंपनी को मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना, प्रिपेयर करना इम्पॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है।
और साथ ही साथ इस बुक्स को मिनट बुक्स भी कहा जाता है। एवरी कंपनी शॉल कॉज मिनट्स ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एवरी कमिटी ऑफ द बोर्ड इन बुक्स कैप्ट फॉर द पर्पज विद इन 30 days फॉर द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। 30 दिन के अंदर अंदर अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है कि मीटिंग का कंक्लूजन निकाल सके कि मीटिंग में क्या क्या हुआ था, और हर एक पेज पर नंबर होना चाहिए, 1 से लेके स्टार्टिंग से ही नंबर लिखा होना चाहिए, और उस मिनट्स बुक में जो है सिग्नेचर भी होने चाहिए जो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे मीटिंग में, उनके सिग्नेचर्स कराए जाएंगे। साथ ही साथ जो भी अगर रिजोल्यूशन पास हुआ है तो उस रिजोल्यूशन में भी जो नेम ऑफ डायरेक्टर है उनका नाम भी लिखा जाएगा, साथ साथ उनके सिग्नेचर भी कराए जाएंगे। उसके बाद जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है अंडर द सेक्शन 118। ये एक एविडेंस होता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग एक तरीके से एविडेंस है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं मीटिंग में वो रिकॉर्डेड होंगी वहाँ पर। और जो मिनट्स ऑफ मीटिंग अगर कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, नहीं बनाती है, तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 25,000 rupees की। और हर एक ऑफिसर अगर इस डिफ़ॉल्ट में प्रेजेंट है, इस डिफ़ॉल्ट में इंक्लूड है, तो उसको भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 5,000 rupees तक की। अगर कोई भी पर्सन इस तरह की कोई भी गलत काम करता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें कोई छेड़खानी करता है या वो बनाता ही नहीं है, तो उसको जेल भी हो सकती है जो कि 2 साल तक की हो सकती है। साथ ही साथ उसको फाइन के साथ भी पनिश किया जा सकता है जो कि 25,000 से कम का नहीं होगा, लेकिन बढ़ सकता है 1,00,000 rupees तक का। अब आता है हमारे पास मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी। अब डायरेक्टर्स कमेटी की मीटिंग, अब क्या होता है कि बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बन गए क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो अपॉइंट करवा दिए। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कंपनी के इतने सारे काम होते हैं कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उन सबको नहीं संभाल सकते, तो वो क्या करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कमेटी बना देते हैं। यानी कुछ कुछ डायरेक्टर्स की अलग अलग काम के लिए कमेटी बना देते हैं। अब जो कंपनीज हैं वो बहुत बड़ी है, उनके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फील्ड होती है एक्टिविटी करने के लिए, तो इतना नहीं पॉसिबल हो पाता कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बुलाया जाए। और जो ये मीटिंग्स होती हैं इसमें ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सारे डायरेक्टर्स मीटिंग को अटेंड भी करें, क्योंकि डिसीजन तो सारे डायरेक्टर्स की मंजूरी के साथ ही लिया जा सकता है। तो इन केस तभी जो है डायरेक्टर्स कमिटीज बनाई जाती हैं इन केसेस में। अब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें वेयर देर आर मैनी डायरेक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, इतना पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ मिल सकें। जैसे शेयर होल्डर्स भी बहुत सारे होते हैं, उनका भी पॉसिबल नहीं होता कि वो एक जगह आकर मिल सकें, बार बार आकर कंपनी के अफेयर्स चेक कर सकें। तो इस तरह से ही इफ़ अ कंपनी हैज़ 2 or 3 डायरेक्टर्स, तब तो कमेटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 या 3 डायरेक्टर हैं। लेकिन अगर आर्टिकल ऑथराइज़ करते हैं कि हाँ कि जो भी डायरेक्टर्स हैं अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनका राइट, तो वो कर सकते हैं किसी भी इशू पर अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पर कमिटीज़ का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। 2 तरह की मीटिंग्स होती कमिटीज़ होती हैं, परमानेंट कमेटी एंड टेम्परेरी कमेटी। परमानेंट कमेटी, द फोरमोस्ट परमानेंट कमेटी इज द कंपनीज वर्किंग कमेटी। कंपनी की एक ऐसी वर्किंग कमेटी है और इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है कंपनी का वो देखना। एंड द कमेटी मीट्स फ्रिक्वेंटली एंड टेक्स डिसीजन अबाउट द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी कमेटी है वो एकदम से उसको सारा कुछ पता चल जाता है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो वो डिसीजन भी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आसानी से ले सकती है। और जो भी मेंबर्स होते हैं उस कमेटी के वो भी सिलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा और चेयरमैन के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन होगा। द अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर डायरेक्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड फील्ड, और जो भी इनके जो अदर मेंबर्स होते हैं वो भी ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए कि जो कि कैसे हों, स्पेशलाइज्ड फील्ड से रिलेटेड हों, जिनको कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हों। तो ये होती है परमानेंट कमेटी। फिर आती है टेम्परेरी कमेटी। अब टेम्परेरी कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि अगर टेम्परेरी कोई डिसीजंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट मैटर के टाइम पर लेने हैं, तब बुलाई जाती है या तब बनाई जाती है।
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी एंड मेक्स द फाइनल डिसीजन। इस टाइम पर क्या होता है, एक टाइम जब डिसीजंस लेना होता है तो टेम्प्रेरी कमेटी बना देते हैं कि हाँ तुम भी अपनी राय दो, फिर उसके बाद जब वो अपना जो भी उनका ओपिनियन होता है वो देते हैं, फिर जो फाइनल डिसीजन होता है वो लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही होता है, तो वो डिसीजन लेने के टाइम पर बनाई जा सकती है। उसके बाद आता है हमारे पास क्रेडिटर्स मीटिंग। अब ये जो क्रेडिटर्स मीटिंग है ये कब बुलाते हैं, ये क्रेडिटर्स मीटिंग व्हेन अ कंपनी इशूज डिबेंचर ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर और इशूज एनी डिबेंचर लेटर या बाद में करती है, तो जो होल्डर होते हैं उन होल्डर ऑफ डिबेंचर्स, इनको हम कह सकते हैं कि ये क्रेडिटर्स मीटिंग है। ठीक है, तो ये जो है क्या बुला सकते हैं, क्रेडिटर की मीटिंग। अ क्रेडिटर मीटिंग इनफैक्ट इज नॉट द कंपनीज मीटिंग, ये एक तरीके से कंपनी की मीटिंग नहीं होती क्योंकि ये मीटिंग जो है क्रेडिटर्स खुद ऑर्गेनाइज करवाते हैं। द प्रोविज़न फॉर सच मीटिंग आर डिफाइंड इन सेक्शन 230 के सेक्शन में इनके जो प्रोविजन्स हैं वो डिफाइन हैं क्रेडिटर्स मीटिंग के, और जो क्रेडिटर मीटिंग है वो बुलाई जा सकती है। पहला है टू सेटल एनी सूट बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड द कंपनी और टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इट्स क्रेडिट्स ऑफ द इंटरेस्ट पेएबल। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, अगर कोई सेटलमेंट करनी है, तो उस टाइम पे क्रेडिटर्स के बीच में और कंपनी के बीच में कोई भी सेटलमेंट करनी है तो अब क्रेडिटर्स मीटिंग बुलाई जाती है, और टू गेट द कंसेंट टू द रीऑर्गेनाइजेशन और अमलगामेशन ऑफ द कंपनीज। अगर कंपनी अमलगामेट हो रही है तो इस टाइम पे क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट जो है वो भी हार्म होता है, उनका भी इंटरेस्ट कंपनी के साथ है, तब ये मीटिंग बुलाई जाती है। फिर है टू गेट द क्रेडिटर्स एग्रीमेंट टू द बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये कंपनी को जब बाइंडिंग अप होती है उस टाइम पे भी क्रेडिटर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी उस टाइम पे भी हार्म होता है, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उनको उनका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो एक तरीके से सिक्योरिटी फील करते हैं कि हाँ हमें तो हमारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं उनके मन में कहीं ना कहीं इस तरह का होता है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, तो इस केस में भी क्रेडिटर की मीटिंग बुलाई जाती है। और इन मीटिंग को बुलाने का ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं कंपनी जो भी फेस कर रही है वो सारी क्रेडिटर्स को बताई जाए, चाहे केस ऑफ बाइंडिंग अप है, चाहे अमलगामेशन का केस है, चाहे रीऑर्गेनाइजेशन का केस है, जो भी है। अगर इन केस जब कंपनी बाइंडिंग अप होती है तो जो कोर्ट है उसको ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करना चाहिए कि जो भी क्रेडिटर्स हैं, जिस भी क्लास के क्रेडिटर्स ने जो भी शेयर्स वगैरह हेल्ड कर रखे हैं, तो उनको उस तरह से शेयर्स नहीं, जो भी पैसा कंपनी ने हेल्ड कर रखा है उन क्रेडिटर्स का, तो वो पैसा कैसे उनको वापस कर दिया जाए, तो ये कौन करेगा, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। आज हम करेंगे यहीं तक कई टॉपिक, कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।